कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। अक्टूबर में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले कई नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें नए अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम दावेदारों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि गहलोत ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। इसी बीच अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुँच रहे हैं जहाँ उनकी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में होने वाला है लेकिन सियासी हलचल राजस्थान में हो रही है। इसी सियासी हलचल के बीच देखकर सवाल उठाने लगा है कि कांग्रेस क्या अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत भी मैदान में उतरने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कल देर रात तक गहलोत अपने विधायकों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद आज दिल्ली आने का कार्यक्रम है। दिल्ली आकर वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा होगी। हालांकि किसी के नाम की पुष्टि नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी आखिर तक नहीं मानते हैं तो अशोक गहलोत का नामांकन दाखिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।